एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो हम रियली सॉरी डब करने के लिए। एक्चुअली गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा था और अगर म्यूज़िक यूट्यूब पे डाल दिया तो कॉपीराइट आ जाता है। एनीवेज, आज हम निकले हैं बहुत टाइम बाद घर से कुछ खाना खाने बाहर लंच डेट पे। तो अभी हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस तो हैं माइंड में कहाँ जाएँ, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमने ऑलरेडी खाया हुआ है खाना, बट अभी हम कुछ नया ट्राई करना चाहते थे, कुछ ऐसा जो मतलब माइंड ब्लोइंग हो जिसका खाना। तो हमने एक मोस्ट रिव्यूड मोस्ट रेटेड एक रेस्टोरेंट सर्च किया। इट्स एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ कैफ़े और क्लब वाला फील है वहाँ पे थोड़ा। तो हमने वो देखा और उस पर मतलब बहुत हाई रेटिंग थी, ऑलमोस्ट 10,000 लोगों ने उसको रेट किया हुआ था। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए, अगर मुझे सच में उस रेस्टोरेंट का खाना डिलीशियस लगा तो मैं आपके साथ उस रेस्टोरेंट का नाम ज़रूर शेयर करूँगी, सो दैट कभी भी आप आगरा आए या अगर आप आगरा के ही हैं और आपको पता ही नहीं इस रेस्टोरेंट के बारे में, तो जाके वहाँ पर खाना ज़रूर खाएँ। सो द फूड वॉज माइंड ब्लोइंग, मतलब सच में यार बहुत ही टेस्टी खाना था। देखो कोई प्रमोशन नहीं है, जगह का नाम है द सॉल्ट कैफ़े जो फतेहाबाद रोड पे है। अगर आप आगरा हो ना तो यहाँ ज़रूर जाना। तो हमने लिया था एक चाप ग्रेवी और एक पनीर बटर मसाला वैसा ग्रेवी वाला, और दोनों चीज़ें इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, आई एम स्पीचलेस, इट्स अमेजिंग। लंच हो चुका है, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? सदर बाजार। उसके बाद मुझे अक्षत पान खिलाएंगे जिसके लिए मैं 2 महीने से पीछे पड़ी हूँ। फिर हम घर जाएंगे अगर कुछ और नहीं किया तो मार्केट में। फिलहाल मैं अपने लिए कुछ फुटवेयर्स देखने जा रही हूँ, बिकॉज मेरे पास एक ही फुटवेयर है जो कम्फर्टेबल है, बाकी सारे थोड़े अनकम्फर्टेबल हैं। So this is the most I think famous pan shop in Agra. I think और भी होंगी, but मैंने यहाँ से बहुत ज़्यादा बार खाया है पान। तो इनके पास हर फ्लेवर के पान होते हैं, लाइक दे हैव एवरी काइंड ऑफ ऑप्शंस, ओरियो पान, किटकैट पान, चॉकलेट पान, वाइट चॉकलेट पान, नारियल पान, सो मैनी। सो आज अभी मैंने अक्षत को बोला कि मेरे लिए वाइट चॉकलेट पान लाओ, बिकॉज आई लव चॉकलेट्स। तो मैं हमेशा मोस्टली चॉकलेट पान खाती हूँ। वैसे मैंने एक बार वो भी खाया था किटकैट पान और ओरियो पान, तो वो भी अच्छे थे, बट वाइट चॉकलेट पान ना यार बहुत टेस्टी होता है इनका। और हाँ, इनके पास एक पान है आई थिंक 2,000 रुपीज़ का, वो उसका नाम पता नहीं क्या, फर्स्ट नाइट पान या ऐसा कुछ है, तो पता नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने अभी तक कभी ट्राई नहीं किया, कभी करूँगी यार, देखते हैं ऐसा क्या स्पेशल होता है उसमें। अभी लेट्स सी वाइट चॉकलेट पान कैसा है, मैं आपको बताती हूँ। आई एम बैक। आज का दिन बहुत अच्छा था, वी हैड सम गुड फूड। तो हम गए थे द सॉल्ट कैफे और वहाँ का खाना हमने पहले भी ट्राई किया था, बट हाँ पहले हमने स्टार्टर्स ट्राई किए थे बहुत पहले, शादी से भी पहले। इस बार हमने वहाँ का मेन कोर्स ट्राई किया और बहुत ही डिलीशियस खाना था वहाँ का। मतलब मुझे बहुत रेयर ऐसे रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे खाना अच्छा लगता है, बट इनका सच में बहुत डिलीशियस था। और मतलब आई विल गिव 10/10 हर चीज़ के लिए। मतलब हमने 2 डिशेस ऑर्डर करी थी और उनकी ग्रेवी यार बहुत ही ज़्यादा यम थी। फिर हम थोड़ा सा शॉपिंग करने चले गए थोड़ा। हाँ, मैंने अपना पान खाया, मेरा फेवरेट पान खाया वहाँ,
काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, बट जो थे उनमें से मैंने अपना फेवरेट पान लिया था, वाइट चॉकलेट। और थोड़ी सी ट्रेजिडी भी हो गई क्योंकि हमने ब्लैक चॉकलेट भी लिया था और वो हमने गाड़ी में रख दिया जब हम शॉपिंग करने गए। जब वापस आए तो गर्मी के कारण वो पान पिघल चुका था और उसका टेस्ट भी ख़राब हो गया था, तो मुझे फेंकना पड़ा, अफसोस। तो शॉपिंग हमने कुछ खास ज़्यादा की नहीं क्योंकि हम डीकैथलॉन चले गए और वहाँ पे ऐसा कुछ हमें पसंद नहीं आया और कुछ ऐसा ख़रीदना भी नहीं था, तो पर मुझे था कि कुछ तो लूँ, तो मैंने ये कप ले लिया। उसके अलावा हमने अक्षत के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करी, घर का तो थोड़ा सा सामान लिया, बाकी स्नैक्स लिए, दैट्स ऑल। फिर आज का दिन ख़त्म हो गया। अक्षत मैच देख रहे हैं, आज कोई मैच है इंडिया का तो वो मैच देख रहे हैं, मैं फ्री बैठी हूँ अभी, बस मैं अपना नाइट रूटीन करके सो जाऊँगी, दैट्स ऑल। क्योंकि अब मैं डिनर नहीं करने वाली हूँ, लंच बहुत हैवी हो गया था, अभी तक वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। आई एम इन माई गिल्ट जोन कि इतना क्यों खा लिया, दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आपको मेरी व्लॉग्स पसंद हैं तो डू सब्सक्राइब माई चैनल करके जाना, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स विद मी ऑल्सो, और वीडियो को शेयर कर देना अच्छा लगे तो। लॉट्स ऑफ लव गाइज, बाय।